सुबह से लेकर शाम तक थक हारने के बाद आजकल मैं भी एक ग्लास और स्नैक्स लेकर बैठ जाता हूँ। आजकल मैं भी नशा करने लगा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ये शराब नहीं, ये पेप्सी है। आज भी मैं पढ़ने बैठा, विशाल सर की क्लास लगा रहा हूँ। क्लास लगाते लगाते मुझे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। अब मैंने व्हाट्सएप खोल के रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। यहीं से अब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगूँगा। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते देखते आराम से 2-3 घंटे बर्बाद कर दूँगा। मैं फिर से पढ़ने लगा पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने करियर पे पछतावा करूँ या अब मैं किसी और को इसका दोष दूँ? क्या मैं फ़ोन को सीमित समय तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं ऐसा ही करता रहूँगा? अगर ऐसा ही करता रहा तो मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे इसका खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, तो इसमें कंसंट्रेशन पावर हमारी जो लूज़ होती जा रही है, किस वजह से? इसी वजह से कि हमारे सामने जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हमारे सामने मकसद होता है कि हम इस चीज़ का टारगेट रखते हैं, हमारा वो मकसद जो है वो रील्स और शॉर्ट्स की वजह से छूट रहा है। क्या आपकी भी ऐसी जो है वो आदत बन चुकी है? क्या आप भी घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं जिससे आप किसी और को ना कोसते हुए खुद को ही कोसेंगे? क्योंकि आजकल कोसने का जमाना तो चला हुआ है, चाहे वो खुद को कोसो या किसी और का कसूर निकाल दो कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। हम ये कब तक करते रहेंगे? क्या आपका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि जब आप शॉर्ट्स और रील्स, क्योंकि अगर आपका पढ़ने का टाइम है तो आपका एंटरटेनमेंट का कितना टाइम है? आप 10 घंटे अगर पढ़ने को लगाते हैं तो क्या आपने समय निर्धारित किया है कि आपका एंटरटेनमेंट का टाइम कितना रहेगा? आप एंटरटेनमेंट के टाइम को भी एक सीमित करिए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। हम कंसंट्रेशन की प्रोडक्टिविटी लूज करते जा रहे हैं, ऐसा हमारे रिसर्चर्स में पाया गया। तो आपने इस चीज पे फोकस करना है और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि एक एक विद्यार्थी को ऐसा ना महसूस हो कि मैं अब क्या करूँगा क्या नहीं। आपको अपनी ही क्षमताओं को एक लेवल अप लेकर के आना है, इसी के माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स के हमारा भी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो खजूरिया सर की क्लास में और यह वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।